Hi guys, welcome back to my another vlog. Hope all are doing good and staying safe. तो guys कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो guys जैसे कि आप लोगों की डिमांड पे, और सबसे पहले तो मैंने डिमांड रखी थी कि आप लोगों ने मेरे 30K सब्सक्राइबर्स करा दिए, तो मैंने हाँ आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 30K होने के बाद अपना लव स्टोरी पार्ट थर्ड और लास्ट है ना, लव स्टोरी पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट मैं 30K होने के बाद लेकर आऊंगी. तो फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स भी आने लगे कि दीदी बस अब हो गया, आपके 30K हो गए, आपने बोला था उसके बाद मैं लव स्टोरी पार्ट लेकर आऊंगी. तो गाइज मैं आज फाइनली अपना पार्ट 3 लेकर आई हूँ और ये लास्ट और फाइनल पार्ट होगा. बहुत बहुत थैंक यू 30K कराने के लिए. हाँ, और आपने मेरे फर्स्ट वाले पार्ट को तो अच्छा प्यार दिया ही था, और सेकंड वाले पार्ट को भी बहुत ज्यादा अच्छा प्यार दिया है, और उस पर बहुत अच्छे लाइक्स और व्यूज और कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे और ज्यादा आए हैं. तो इसी आप लोगों ने मतलब, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वाले मेरे लास्ट और थर्ड पार्ट को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे, शेयर करोगे और लाइक कमेंट सब कुछ करके जाना, ठीक है? तो सबसे पहले मेरी लव स्टोरी लास्ट पार्ट शुरू होने से पहले, सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा मेरे कॉमेंट्स को. लाइक तो कर दिया करो आप लोग, और कॉमेंट्स भी अच्छे अच्छे दिया करो. तो हम आपके लिए आज अपना थर्ड पार्ट लेकर आए हैं लव स्टोरी का. तो आप घर वाली बात होते हैं, पापा ने भी बहुत बात करी थी, मतलब मेरे बहुत बात करी थी. ठीक है, मतलब वहां से फोन आया था कि अपने पापा से बात कराओ, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से कदम उठाया. हाँ, हाँ, तो वही इनके पापा ने बात की थी, मेरे पापा से की थी शायद, एक दिन पता, पहले मेरे से की थी, पहले मेरे पापा ने पहले आपसे बात की थी. हाँ, मेरे से करी थी बात कि हाँ क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ऐसा ऐसा बताओ. उस टाइम मैं जॉब करा करता है ना, उस टाइम जॉब कर रहा था ना. हाँ, उस टाइम जॉब कर रहा था कि हाँ मैं ये करता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे ग्रेजुएशन कर रखी है, जो कि मेरी चली रही थी फिलहाल ग्रेजुएशन ना, जॉब थोड़ी कर रहा था, कॉलेज में था मैं, ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी. नहीं नीरज, मैं भी उसी में जॉब करते थे यार, बाद में करी है जॉब तो, मतलब रिश्ता हो गया था, शादी से पहले जॉब करी थी, पर जब ये बात हुई थी उस टाइम मैं कॉलेज में था. हाँ, तो उस टाइम मैं शायद सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, पढ़ा पढ़ा करता मैं अभी, कुछ नहीं पढ़ता था, कॉलेज भी नहीं जाता था, और कॉलेज भी नहीं जाता था, और कॉलेज वालों को पैसे दे के पास होता था. हाँ, सही कह रहे, इतना पैसा ना, गरीब आदमी है, कहने को उन्होंने बीबीए कर रखी है, बट इनका जो बीबीए का था वो जामिया में थे है ना. तो गाइस शुरू करते हैं, जामिया तो क्या था यार. हाँ, फिर इनके पापा का फोन आया मेरे पास, मतलब इसने बात कराई कि पापा बात करेंगे. भाई अंदर से खराब हो रहा था मामला, के हर कैसे बात करूंगा मैं, सफेद हो रहा था पूरा, डर लग रहा था, अरे गला सूख रहा था पागल, डर की बात. गाइस ऑब्वियसली उस टाइम मैं अपने घर थी, अपने घर थे, तो मैंने रिएक्शन सब देख रहे थे उस टाइम, छत पे था मैं. भाई फोन आया वहां से, एक बार तो मन करा उठाऊं ना उठाऊं, मैं कहना यार गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि देखे तो फोन भी ना उठा रहे कि शादी करेगा तेरे से, इसलिए उन्होंने उठाया. अंकल नमस्ते करके कह रहे हाँ बेटा क्या नाम है, वो कह नितेश नाम है. अच्छा, फिर क्या करते हो? मैं क्या, मेरी तो पढ़ाई चल रही है अभी, और ऐसे ऐसे जो भी फर्स्ट सेकंड ईयर में था मैं, क्या उसमें हूँ. अच्छा, फिर पता नहीं कैसे कि और क्या बात हुई थी, कुछ नहीं, ठीक है अपने पापा से बात कराना कि ठीक है बेटा, और आपके मतलब घर पे बात करूँगा मैं, जो भी है ये हुआ, मतलब बड़े आराम से बात की इनके पापा ने कि हाँ ठीक है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं जब तक हैं, ठीक है, अच्छा ही बुरा सबके अंदर होती है. मैं बता दूं आपको, आप हर बार ये बात क्यों बोलते हो, तो जब तो जरूरी एक इंसान को जरूरी है अच्छा और बुरा दिखाना. तो मैं बता, मेरे पापा वैसे भी बहुत अच्छे गाइस, बहुत सीधे हैं, एक्चुअली मैं सच्ची बताती हूं, मेरे पापा सच्ची में बहुत अच्छे हैं. तो ऐसे ही रहने देना इमेज, एक ऐसी रहने दीजिए, ऐसे अच्छे हैं, फिर बाद में कह देगी टाइम तक अच्छे हैं. हां तो वो है ना, तो अब बोलेगा मैं दोबारा. हां बताओ ना, पापा जी, इनके पापा यार इतना डीपली, इनके पापा से बात हो गई थी, तो मेरे पापा ने फिर इनके पापा से बात की थी, बताओ क्या बात की थी इनके पापा ने, मेरे से बात की, पापा से बात करी नहीं, 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 डीपली थोड़ी बताना है, ऊपर ऊपर बता देता हूं सारी खत्म कहानी एक लाइन में, इनको इंटरेस्ट आता है. हां तो फिर मैं वही जब भी तो बता रहा हूं कि जब पता नहीं लगेगा क्या-क्या हुआ था, रिएक्शन बताना सर. फिर बात करी मेरे घर पे, मतलब पापा से बात करी कि हां जी कि ऐसे ऐसे बात बात करते हैं, मतलब जो भी उनके बीच में बात हुई थी थोड़ी बहुत ही याद है मेरे को कि हाँ, तो मतलब उसके इनके पापा ने सीधी बात बात करके और बोला कि जब इन दोनों को मतलब कोई वो नहीं है, शादी करना ही चाह रहे हैं, तो भाई हम रोका करने आ रहे हैं. हाँ, मेरे मतलब मेरे को रोकने आ रहे थे वो, शगुन वगैरह जो देते हैं कि फिर पापा ने क्या कही थी मेरे पापा, फिर इनके पापा ने बोला था, जो मेरी फैमिली को इनके पापा की बात, यही बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी
इनके पापा ने फिर मेरे पापा को बोला था कि नहीं बाऊजी, आप डायरेक्ट मतलब ऐसा रोका वोका करने शगुन डालने मत आओ, आप पहले जैसे भी हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो भी हमारा गरीबों का घर है, ऐसे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जो वैसी वाली बात बोली थी कि आप पहले हमारा घर देख कर जाओ क्योंकि आपकी बेटी को हमारे यहाँ रहना है ना, तो बस ये ऐसी बातें हुई थी। तो फिर तो इनका पापा का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था उस टाइम पे मेरी फैमिली के ऊपर, सबको लगा था कि यहाँ पे जेन्युइन बंदे हैं। देखना भी चाहिए ना, कोई ऐसी थोड़ी अपनी लड़की दे देगा कि भाई ले तुम शादी कर, मतलब उन्होंने जेन्युइन बात की स्टार्टिंग में ही पहले ऐसे बोला, तो इनके पापा का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था, यानी कि मेरे ससुर जी का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था मेरी फैमिली के ऊपर कि हाँ, मतलब ये फैमिली लगी अच्छी कि हाँ हमारे जैसे लोग हैं, कोई ऐसा वो नहीं है ना कि कोई हम डिफॉल्टर ऐसे, मतलब सिस्टम नहीं था, जैसे हम नॉर्मल रहते हैं इनकी तरह, जैसे हमें वैसे ही थे। तो, डिफॉल्टर किसने बोला भी तो, अरे मतलब कि ऐसा ना था ना, जैसे मान ले अब हमारे घर में गुंडे बदमाश रहते, पापा तेरे पापा देखते आके तो वो शादी कर देते, वही तो सोचते ना भाई मेरे तो एक ही है, ऐसा पापा को पता, ऐसे तो मेरी चॉइस ही नहीं थी यार, एक चीज का पता थोड़ी है, फंसा लेता है कोई बताए ना, हेलो पता लग रहा, बाद में पता लग रही है एक साल बाद की, अरे 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 तो ये चीज है। फिर आए थे घर पे पापा मम्मी, कौन कौन आए थे मुझे तो इतना याद नहीं, आए थे मतलब मेन तो पापा मम्मी तो आए थे है ना, तो वही आए उन्होंने देखा। अरे यार मेरे पापा कितू बुआ लेकर आए थे शायद, हाँ मेरी बुआ, हाँ बुआ और अंकल आए थे, मतलब मेरे पापा पूरे कुनबे ने लेकर आ गए थे इनके घर, गाइस हम सिर्फ मेरी एक बुआ थी सबसे छोटी वाली, फूफा जी थे और मम्मी पापा थे और कोई नहीं था बस। तो आए घर पे, मतलब घर में आए थे, मेरे पापा ने तो रोका भी फिर बहुत लेट किया, मेरे पापा ने रोका अभी करा था सितंबर, शादी से पहले ही तो किया ना, शादी से 2 महीने पहले रोका किया था फिर मेरे पापा ने, फिर आए बातचीत हुई घर में, खाना ये जल्दी कर गए थे मेरा, हाँ हम तो कर गए थे जब ही कर गए थे, मेरे ख्याल 6 महीने ये मुझे देखने ही आए थे, हाँ देखने आए थे, देखने ही मतलब जैसे ये इनके घर वाले आए थे ना, ऐसे ही मेरे घर वाले गए थे और मैं ही लेके गया था, मतलब गाड़ी में मैं बाहर बैठा था, इनकी फैमिली देखने आई थी लेकिन साथ साथ फिर रोका, साथ साथ कर गए थे फिर, तो मेरा 3 साल तो रिश्ता रहा है, 3 साल तो रोका रहा है मेरा है ना, 3 साल फिर मेरे पापा ने शादी नवंबर में थी मेरी, सितंबर में रोका था इनको उनके बर्थडे के आसपास है ना, फिर उसके बाद गाइस एक चीज बताओ, हमने शादी से 3 महीने पहले मिलना बंद कर दिया था ना, हाँ 3 महीने मिलना बंद कर दिया था हमने रितेश, हम शादी के 3 महीने तक मिले नहीं थे, वैसे भी हम मतलब मिलते थे, हम शादी के बाद शादी से पहले मिलते थे, बट ये कि काफी एक एक दो दो महीना हो जाता था हमें मिले हुए, इतना टाइम बाद मिलते थे, 4 महीने हाँ, तो हमने शादी से पहले मिलना इसलिए बंद कर दिया था, क्यों मिलना बंद किया रितेश हमने पता ना, बात तो करते थे पर मिलना बंद किया था, उसको बोलते हैं ना कुछ की मिलते नहीं है फिर वो पता नहीं बोलते हो, फिर एक्साइटमेंट नहीं होती शादी की, कुछ ऐसा होता है ना, तो इस वजह से हमने शादी से 3 महीने पहले, तो फिर हमारा मतलब हम मेरे घर वाले इसको रोक आए थे ऐसे ही रिश्ते, रिश्ता चला फिर हम जैसे बता ना कि जैसे कि हमारा रिश्ता 3 साल चला था ना, 3 साल तक रहा था, तो उस बीच में बहुत झगड़े हुआ करते हमारे, हाँ हमारी लड़ाइयां ज्यादा होने लगी थी, अब बोला वालों की मेरी तरफ से ही ज्यादा थे वैसे तो, क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं था, मैं बाहर चला जाया करता कि बाहर चला गया दोस्तों के साथ रात को 12 बजे आया, ये ऐसा भी नहीं है और नहीं इतना भी नहीं निर्देश, मैं कभी मैंने मतलब मैं जितना टॉलरेट होता था ना गाइस मैं उतना करती थी, लेकिन ये टॉलरेट लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि मतलब रात रात भर बाद सुबह 4-4, 5-5 बजे आ रही है, तो कोई 5 बजे हाँ ठीक है झूठ मत बोलो, मैंने कई बार अपनी फैमिली में बता दिया था, तब मैंने 2-3 बार अपने पापा को गुस्से में बोला था, बेशक शायद चॉइस मेरी थी लेकिन मैंने 2-3 बार अपने पापा को गुस्से में बोल दिया था कि ये रिश्ता तोड़ दो मुझे नहीं करनी शादी वादी, अब वही चीज है ना कि देखो शादी से 2-3 साल पहले घूम लिया, जो घूम लिया अब थोड़ी घूम रहा हूँ, अच्छा अब तो घूमते ही जुटा पड़ा यार दोस्त का कौन कहा सबको बता सबको दिखता है, बहुत क्लेश रहा करते, अब तो हमारी लाइन भी अलग हो गई ना नितेश, उस टाइम पर रिश्ता होने के बाद भाई बहुत कलेश हुआ करते, और फिर ऐसा हो गया था कि घर में पता था कि भाई रिश्ता हो गया है, तो इसकी तरफ से कुछ हुआ जैसे मैंने कुछ लड़ाई करी तो ये अपने घर में बता जाया करती, फिर वो बात मेरे घर में भी आ जाया करते कि तुम्हारे, तो फिर घर वाले परेशान होने लग गए थे मतलब धीरे धीरे कि भाई इनके तो कलेश ही पता ना, हमारे लड़ाई ज्यादा होने लग गए थे एक टाइम पे, पता नहीं क्यों क्या रीजन था लेकिन जो भी था बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, हर 2-3 दिन बाद लड़ाई, महीना महीना भर में ब्लॉक रखती थी, ऐसा होता था पता नहीं, फिर आई मेरी बहन की शादी 2019 में, हाँ 19 में तो फिर मेरे घर वालों ने बोला भाई इनके घर पे कि साथ के भाई ऐसे ऐसे बात है और साथ में ही कर देते हैं, फिर क्योंकि आपकी फैमिली ने पहले ही सोचा हुआ था कि दोनों का इकट्ठा करेंगे ना, क्योंकि दीदी से सिर्फ 1 साल, दीदी इनसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी है, इनके बीच में 1 साल का ही गैप है, जैसे नितेश अभी 25 के है ना, तो 26 की है,
तो फिर ऐसे ऐसे बात हुई, तो फिर मेरे पापा ने मना कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज मैं मतलब इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, फर्स्ट पहले तो मेरी एज ही छोटी थी, 19 में मैं कितने साल की थी यार, क्योंकि मैं अभी 21 की हूँ, है ना। उस टाइम मैं 23 का था, तो मैं कितने 19 की थी, 18 की 19 की थी, 19 की होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज को लेकर मेरी दादी ने भी मना स्ट्रिक्टली मतलब ये बोल दिया था कि चलो कोई नहीं, शादी करके तुम अपने मतलब अपने घर ही रह जाइयो, फिर 2-3 साल बाद आ जाइयो, इतना ही बात हो गई थी। किसने बोला था ये? पता ना किसी ने बोला था, शायद किसी पापा का ना पता, पर किसी ने बोला था किसी का, शादी वादी करके हमें कुछ चाहिए तो है नहीं वैसे भी, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अपने घर मतलब शादी करके। अब वो सोच रहे थे कि एक मतलब एक शादी करने के बाद फिर कौन रुकता है कि एक बार में ही ना, क्योंकि फिर अब वही है, एक जैसे बहन की शादी करी 1 साल, अब वही बात है इतने तो रही सह नहीं कि अगले साल ले दोबारा एक और शादी कर दे। तो वही बात है ना, मैं वही बता रही हूँ, एक तो मेरी एज नहीं थी स्ट्रिक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रिक्टली मेरी दादी ने मेरी एज को लेकर मना किया था कि ना भाई माई पोती घनी छोटी है भी, और हमें भी ब्याह ना करें। तो ऐसे फिर कुछ ऐसा भी सीन हुआ था कि 20-21 साल की मतलब 19-20 साल की एज में शादी होती नहीं, नहीं तो 28 के बीच में शादी नहीं करते। फिर गाइस फिर ये भी था कि हम उस टाइम मेरे पापा का बजट नहीं था शादी करने का, क्योंकि वो चीज देखो गाइस सब बोलते हैं, मैं तो फिर भी एक ही हूँ, सब जैसे इन्होंने बोला था, इन्होंने साफ बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपनी बेटी दे दो, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन इन्होंने जैसे बोला था, लेकिन मेरे पापा की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज्यादा ड्रीम्स थे जो भी, क्योंकि मैं एक ही हूँ, दूसरी तो है नहीं कि चल एक की शादी ऐसी करती तो दूसरे की शादी में, दूसरी बेटी की शादी में वो कर लेंगे पूरा, तो मैं एक ही थी, तो पापा को तो था कि मुझे बड़ी अच्छी शादी करनी है, तो बस यही हुआ था। तो उस टाइम मेरे पापा का बजट नहीं था, तो फिर मेरे पापा ने मना कर दिया था कि बाबूजी मेरा बजट भी नहीं है और अभी बेटी बहुत ज्यादा छोटी है, कि मेरी मम्मी मना कर रही है, पापा जैसे बोला, पापा ने बोला कि मेरी माँ जी मना कर रही है, क्योंकि मेरी दादी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मैं भी अपने पोते की शादी नहीं करूंगी, मेरी पोती बहुत छोटी है, ऐसी बात हुई थी। फिर दीदी की शादी हो गई थी, हाँ, फिर 2000 मतलब लड़ाई तो हमारी चलाई करती हर 20 दिन बाद, ऐसा हो जाया करता कि बस ना करनी शादी, मना कर दी है, वो है, हो जाए हाँ। लड़ाई यहाँ पर घर वाले परेशान हो चुके थे कि भाई इनका तो ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ रिश्ता रिश्ता, हाँ, वो भी परेशान हो गए थे कि भाई इनका तो हाँ। ज्यादा हो रहा है, और मतलब बात घर में फैल जाया करती ना कि हाँ इनका कले मतलब दिख जाया करता है कि हाँ मुंह बन रहा है इसका, क्या बात है तभी कि हाँ ये बात होगी वो बात होगी, फिर पूरी बात बतानी पड़ा करती कि ऐसा ऐसा बात है कि हाँ तुम्हारा रोज रोज का कलेश ही समझना रहा हमारे गाइस। एक बार ना मैं वो वाली बात हम दोनों की लड़ाई में है ना, मैं वो वाली बात बताती हूँ गाइस। मैं ना लैक्मे एकेडमी थी, लैक्मे एकेडमी जाती थी, तो मैं फिर हो गया था कि मैं अकेली आती जाती थी, तो ना गाइस ये 3 दिन से गायब थे, अब बताओ आप कहाँ गायब थे जब मैंने फोन तोड़ा था आपका, बताओ 3 दिन से गायब थे, 2-3 दिन आपके दोस्त के घर था, हाँ, और घर में भी झूठ बोला हुआ था इन्होंने कि वो पूछे तो कहाँ है, तो क्या बोला कि फोन खराब हो गया उसका, पता हाँ मतलब एक दोस्त की पार्टी थी तो पता था ये तो जाने देगी नहीं, ठीक है तो भाई यार अब जो हमारे काम आया वैसे रहता था इनका, पता क्या है कि मतलब कोई लोग होते हैं ना, मैं तो कभी खैर ऐसा मतलब हो नहीं सकती ना थी ना हूँ, कि मतलब कोई लोग होते हैं ना कि यार लड़ाई हो जाएगी, सोचते हैं कि यार लड़ाई हो जाएगी फिर मूड ऑफ हो जाएगा, फिर क्या फायदा, फिर एंजॉय नहीं कर लेंगे। ये बंदा भाई साहब ऐसा है कि मुझसे लड़ाई करके ही जाएगा और इसका मूड बिल्कुल डेस्परेट, मतलब बिल्कुल वो नहीं होता, मूड ऑफ नहीं होता यार, पता है छोटी छोटी आदत हो गई थी इसका, क्योंकि बात पता है क्या थी कि मैं चला जाऊं चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, तो कलेश तो होना ही था, कलेश अगर मैं बता के जाऊंगा तो कलेश होना है, ना बता के जाऊंगा तो कलेश होना है, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था, वो इनके लिए अच्छा होगा मेरी नजरों में जो मतलब अच्छे नहीं थे, अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हाँ इनका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, भाई जैसा टूटू, और वो हमारे घर पे भी आते जाते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो अच्छा है, जेन्युइन बंदा है भाई, तो उसको अलाउ किया हुआ है कि वो अच्छा है, उसका पता है मुझे, बाकी पता नहीं कौन कौन थे लफंडर ऐसे ही थे तो मुझे पसंद नहीं थे, तो इस वजह से क्या हाँ, हाँ, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं था इनका सर्कल, ऐसा ही लगता है सबके साथ ऐसा होता है, किसी की वाइफ को या किसी के गर्लफ्रेंड को ना उसके दोस्त पसंद नहीं आते, पता ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आपको भी नहीं थे मेरे दोस्त पसंद, मेरे दोस्त तो थे ही नहीं, ठीक है, तो ये बात सच है कि हाँ ये होता है कि दोस्तों के साथ अलाउ नहीं करते, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो वाइफ हो, क्योंकि दोस्तों के साथ फिर वो हो जाता है ना कि आदमी ज्यादा खुल जाता है कि हाँ घूमने वहाँ ये वो कुछ भी लगा लो। तो गाइस ये ना 2-3 दिन से गायब, इनका फोन स्विच ऑफ, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और भाई 2 दिन से फोन नहीं आया, उस टाइम तो मेरी लड़ाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे बिना उस टाइम आप मुझे बिना बताए गए थे नितेश, हाँ उस टाइम ये मुझे बिना 21 की बात है, उस टाइम ये मुझे 21 की थोड़ी 20 की लॉकडाउन से पहले की बात, उस टाइम ये मुझे बिना बताए गए थे,
और 2 दिन से ना कोई फोन ना कोई मैसेज, और मैं हो रही हूँ फोन ऑफ जा रहा है, मैं टेंशन में हूँ। मैंने कहा यार बंदा है कहाँ, बंदा है कहाँ। तो मैंने इनके घर कॉल किया, इनकी मम्मा को कोई अता पता नहीं कि मेरा बेटा है कहाँ, मेरा लाल है कहाँ, इनकी फैमिली को कोई नहीं है, टेंशन भी नहीं है कि 2 दिन से है नहीं कहाँ है, सब समझा रखा। अब वो पहले से उनको हैबिट होगी क्योंकि इनकी आदत थी रात रात भर आने की, ना आने की 2-3 दिन, तो उनको हैबिट होगी भाई मुझे नहीं थी, तो वो टेंशन फ्री रहते थे, मुझे टेंशन हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा मन करता था कि बस छोड़ दूं मैं, मतलब माँ बाप की टेंशन नहीं हो रही, इसकी टेंशन होगी 20 किलोमीटर दूर बैठ के। हाँ तो अच्छा, अब मेरे हस्बैंड को पता है क्या बात है, घर पे तो बात, मेरी शादी होने वाली थी ना, घर पे तो बात मेरी हो रही थी, ठीक है, पापा से ही नहीं कर रहे थे, बस बात हो रही थी, और मतलब घर पे बात हो रही थी मेरी, इससे बात में जान के नहीं कर रहा था क्योंकि क्लेश होना है मेरे को पता है, तो घर जाके क्लेश देखेंगे। तो फिर घर जाके ऐसा क्लेश हुआ जो मुझे करना था। मैं भी बताती हूँ आपको। तो गाइस मैंने इनके घर कॉल किया, मैंने कहा 2-3 दिन हो गए थे, तो 3रा दिन था वो, तो मैंने कॉल किया पापा को डायरेक्ट, इनके पापा को। मैं स्टार्टिंग से ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं शायवाई करती ना, मेरे अंदर है, और वो चीज दिखानी क्यों गाई, मतलब इतना लोलो चोपी मुझसे नहीं होती कि जो चीज आपके अंदर है नहीं, जो नेचर आपका है नहीं, उस चीज को दिखाओ जहाँ से, वो अलग ही लगता है। तो मैंने डायरेक्ट पापा को कॉल किया, मैंने कहा हाँ नमस्ते नमस्ते पापा, और मैंने कहा वो आ गया, मैं ऐसे बात करती थी, तो पापा कह रहे हाँ आज ही आया, पापा बता देते मुझे कि हाँ आज ही आया सुबह सुबह ऐसे वैसे करके। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी हुई लैक्मे अकेडमी खत्म, मैं लैक्मे अकेडमी से सीधा घर गई। हाँ जब पढ़ाई थी सीधी, हाँ घर गई, ये सो रहा भाई बंदा उल्टा उल्टा होके सो रहा, और ऊपर कमरे में जो हमारा शादी वाला कमरा, जो मेरा कमरा था उसमें उल्टा होके सो रहा, और कंबल वंबल और खाना वीना, इसने रात को खाना खाया होगा आके, खाना खाया होगा रात को आके, फोन वोन पड़ा इसका। तो मैंने देखा, मैं आई, मैंने इसका कंबल खींचा है, मैंने ना इसका कंबल खींचा, कंबल खींचने के बाद मैंने सबसे पहले i7 था ना आपके पास, iPhone 7 था इनके पास, मैंने सबसे पहले इसका फोन तोड़ा, इसका फोन फेंक के मारा, सिम निकाली उसमें से, सिम खा गई, सिम तोड़ दी, फिर उसके बाद कैश पैसे पड़े थे 1500 रुपए, 1000 रुपए वो फाड़ दिए, फिर उसके बाद मैंने मतलब ऐसे कर दिया था पूरा, मैंने कहा अब तू खा खा मुझे बता तू जा, बहुत ज्यादा वो लड़ाई हो गई थी फिर उस टाइम पे, फिर नीचे गई मैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये वो करके, फिर रात को यही छोड़ के आए थे ना, लड़ाई वड़ाई हो गई सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। इसने मुझे उस टाइम लिख कर भी दिया था ना, पापा ने बोला चलो ये लिख कर दे दिया ना, फिर उन्होंने मुझे लिख कर भी दिया, वो आज तक पड़ी होगी शायद पर्ची मेरे घर पे, इन्होंने मुझे लिख कर भी दिया आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये है वो है सब कुछ, फिर नॉर्मली हो गई थी मैं। तो फिर उसके बाद रात को ज्यादा बड़ी बन रही है वीडियो, यही छोड़ी, अच्छा अब ज्यादा बड़ी बन रही है अपनी, फिर आता है ना बता, वो बता बता थोड़ी, फिर तू खुद ही गई कि यार। तो फिर तो गाइस यही मतलब क्लेश टोटल मिला के बाद ये क्लेश बहुत ज्यादा होने लगे थे, फिर हम दोनों की फैमिली ने सोचा कि अब इनकी शादी करा देनी चाहिए, फैमिली ने सोचा इसलिए क्योंकि रिश्ता खराब, जो हमारी लड़ाई होती थी ना फिर वो उनके फैमिली उस बीच में जाया करती बात, तो फिर उनकी बात हुआ करती कि इनका क्या है ये है वो है, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो रिलेशन बना था वो खराब हो जाए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, कर नहीं ना शादी ये है वो है, तोड़ दिया रिश्ता फलाना, फिर उसके बाद हुई थी बात, कुछ बात करने गए थे मेरे पापा मतलब मेरे घर वाले इनके घर, किसी पता नहीं किस चक्कर में गए थे, कुछ बात करने गए थे या मिलने गए थे, हाँ हाँ, तो उस टाइम मतलब इनके घर वाले पहले आए थे तो शादी के लिए मना कर दिया था कि अभी हमने ऐसे ऐसे लड़की की शादी करी है तो अब तुम 2-3 साल और रुक जाओ, 2-3-4 साल जो भी है कि हमारा थोड़ा बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर कर लेंगे, पर हम मेरे घर वाले गए इनके घर बातचीत करने कुछ गए थे मिलने के लिए 2020 में, फिर हमारी वहाँ मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे बात ये फिक्स करने गए, बस इनकी वही बात है कि आपस में बात हुई, सबसे बड़ी बात क्या थी उस टाइम लॉकडाउन का चक्कर था कि 50 बंदे इधर से होंगे 50 इधर से, लॉकडाउन खुल गया था नहीं था, लगा हुआ था मतलब उस टाइम तो नॉर्मल हो गया था, पर उस टाइम था मतलब कन्फर्म नहीं था कि खुल जाएगा या अलाउड कर देंगे इतना, तो हमारा ये था कि पापा भी मना कर दो ऐसे ऐसे बात है, किस किस से मना करेंगे शादी में भाई बुलाने के लिए, और किस किस को कहेंगे कि भाई अगर मतलब एक बार शादी होनी है दोबारा दोबारा थोड़ी घोड़ी बैठ रहा हूँ, रथ पे बैठ रहा हूँ जा जा के, सच बात है पड़ गए थे सच्ची में। अब वो बात है कि जैसे लॉकडाउन 50 बंदों की तरह होता तो क्या होता, गाड़ी में आया और जो भी पूरा फंक्शन होता छोटा मोटा ही होता, घर घर के होते कि गया अपने फेरे वेरे लिए और खा के आगे करोगी शादी, ये थोड़ी बेकार बेकार काम है। फिर मतलब हमने ऐसे बात हुई थी कि फिर सब कह रहे कि नहीं नवंबर तक वो खुल जाएगा लॉकडाउन, हाँ, तो फिर उसके बाद 200 बंदे अलाउड कर दिए थे शायद,
तो पता चल तो गाइस ऐसे बस हुआ था, फिर हमारी शादी फिक्स हो गई थी, हमारी डेट फिक्स हो गई गाइस। अब फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई थी और फिर आप देख सकते हैं हम साथ हैं, साथ रहते हैं और आप मुझे प्यार करते हो पर अब कितना शादी से पहले वाला, शादी से पहले ज्यादा करते थे अब ज्यादा करते हो, अब ज्यादा कैसे, अब कैसे कैसे बताऊंगा। तो शादी से पहले कम क्यों, उस टाइम तो फोन पर आया करता ना ऑनलाइन वाला सिस्टम, अब करते हो ठीक है। तो गाइस मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी यार, जो कि वो के इधर से मतलब कुछ विरोध वो तो पता, मैं बता देती हूँ आप तो पिटते भी, वो मैं एक थी ना इसलिए मेरे पापा कैसे मान गए, इसलिए मेरे घर वाले मारते मारते कहने वाली बात है वो तो मैं एक थी भाई, मेरे पापा मान गए, वरना तो बेटे के बताऊ इसमें, वरना तेरा तो बक्कल उतर जाता कसम से, लेकिन भाजत तो भागने के 4 दिन ये लास्ट स्टोरी सुन लो गाइस। मैं ना पहले डरती थी क्योंकि मुझे पता था गाइस, मुझे अपने पापा का तो था, पापा मान जाएंगे, लेकिन मुझे अपने चाचा वगैरह से उम्मीद नहीं थी क्योंकि गाइस मैं बदमाशों की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है ना वो बहुत, मेरा जो बैकग्राउंड है मतलब जो घर घरस्थी मेरे चाचा वगैरह, जो मेरी फैमिली है, जो फैमिली है थोड़े स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर्स लोग हैं, तो इस वजह से तो मैं पहले डरती थी घर में बताने में, मैंने कहा नहीं नितेश नहीं करेंगे शादी हमारी, स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर है मतलब डेंजरस, सॉरी स्ट्रेंजर मैं भी कह रहा हूं स्ट्रेंजर है मतलब सुनो सुनो जल्दी, अरे जल्दी सुनो, हाँ डेंजरस है, स्ट्रेंजर कह रही हूँ, स्ट्रेंजर तो वरना अननोन पर्सन, डेंजरस है, डेंजरस है तो बताती हूँ ना, सुनो तो सही। तो मैं डरती थी, मैंने कहा नहीं नितेश बहुत मारेंगे तुझे, मैंने कहा बहुत मारेंगे, सुनो तो सही, मैंने कहा बहुत मारेंगे नितेश, मुझे भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे, फोन छीन लेंगे, बात नहीं करने देंगे, मेरी शादी कहीं और करा देंगे, मुझे ऐसा डर लगता था। फिर ऐसा होता तो फिर वो ट्विस्ट का बता रही थी मैं, क्या था वो तो मुझे याद आया था, हाँ भागने वाला, फिर ये कहता कोई नहीं हम भाग जाएंगे, हमने भाग नहीं कह रही थी कि अगर मेरे घर वालों ने नहीं कराई तो फिर नितेश तुम भगा कर ले जा, मतलब नूरा गई थी मैंने भगा कर ले जा, मैंने रुक जा मैं अरे नितेश अच्छा, ये ऐसे नहीं बोलता, ना 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 ना, एक हाथ में ताली बजी है, मैं बता रही हूँ ना आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रही, मैं बता रही हूँ। हाँ तो गाइस मैंने को बता दी, मैंने कहा नितेश मेरी फैमिली नहीं मानेंगे फिर हम क्या करेंगे, अपना रिलेशन तोड़ देंगे। फिर नितेश ने कहा तोड़ क्यों देंगे और फिर और कुछ देखेंगे, तो मैंने कहा नितेश हाँ एक काम करेंगे फिर ना हम भाग जाएंगे, ऐसे बोला था मैंने कहा आगे बात, फिर ना हम भाग जाएंगे, तो कह रहा ठीक है। मैंने कहा फिर हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास मतलब किराए पे रहेंगे 1500 रुपए कमरा किराए पे लेंगे, उस टाइम मेरी अर्निंग भी नहीं थी, अगर मैं ही कुछ करती, नितेश कह रहा वो कोई नहीं वो तो हो जाएगा और हम फिर रेंट पे रहेंगे ऐसे ऐसे। मैंने कहा फिर हम कभी और नहीं आएंगे, पर ये बात हमने एक ही बार करी थी, हाँ मतलब हम दोनों वापस अलग ही हो गए, तो फिर 3-4 साल मतलब फिर मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट की है, तो मुझे मुझे कभी भी नहीं था कि मैं 3-4 साल रह के अपनी जिंदगी के किसी बंदे को 3-4 साल दूं और उसके बाद फिर हम सेपरेट हो जाएं, तो मेरी थिंकिंग अब ऐसी नहीं रही थी। तो भाई ये था कि मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, तो बस ये था। और भाई कैसे वही हुआ देख लो, आज साथ हूं मैं इसके और ये मुझे स्ट्रेंजर लोगों से बच के रहना है भाई, जो भी प्यार करने वाले लोग है ना, जो भी शादी करना चाह रहे हैं, तो स्ट्रेंजर लाइफ में डेंजरस कह रही थी। टाटा बाय बाय, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे, होपफुली आपको पसंद आई होगी मेरी लव स्टोरी, मेरी लव स्टोरी, टाटा बाय बाय, लव यू सो मच, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बाय बाय।